हेलो फ्रेंड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेड इसी के वीडियोस में हम पार्ट 14 सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स ये कर रहे हैं, जिसमें आर्टिकल्स 308 से लेकर 323 तक हैं। हमें आज करना है आर्टिकल 319 तक, प्रीवियस वीडियो में हमने कर लिया। देखते हैं इसमें क्या है। इट्स अबाउट फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस। तो इस पब्लिक सर्विस कमीशंस का क्या काम होता है, इनका क्या फंक्शंस हैं। फर्स्ट, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस। सबसे पहले इनका काम क्या है, कंडक्ट एग्जामिनेशंस। किस चीज़ का एग्जामिनेशंस, फॉर अपॉइंटमेंट्स टू द सर्विसेज ऑफ द यूनियन एंड द सर्विसेज ऑफ द स्टेट रेस्पेक्टिवली। मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी यूनियन सर्विसेज के लिए, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस एग्जामिनेशंस कंडक्ट करेंगे स्टेट सर्विसेज के लिए। ठीक है, पॉसिबल क्वेश्चंस, हु कंडक्ट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टू एंटर इनटू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज, यूपीएससी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हु कंडक्ट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टू एंटर इनटू स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, सेकेंड, इट शैल ऑल्सो बी द ड्यूटी ऑफ द यूपीएससी इफ रिक्वेस्टेड बाई एनी टू और मोर स्टेट्स सो टू डू टू असिस्ट दो स्टेट्स इन फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम्स ऑफ जॉइंट रिक्रूटमेंट फॉर एनी सर्विसेज फॉर विच कैंडिडेट्स पोजेसिंग स्पेशल क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड। अगर किसी दो तीन स्टेट्स अगर रिक्वेस्ट करें यूपीएससी को कि हमें जॉइंट रिक्रूटमेंट करना है, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन किसी चीज़, कोई साइंटिफिक ऑफिसर्स हों या किसी और स्पेशलिस्ट हों, उनको जॉइंट रिक्रूटमेंट करना है दोनों स्टेट्स का, तो यूपीएससी उनका एग्जाम्स भी कंडक्ट करने में असिस्ट करेगी। तो पॉसिबल क्वेश्चंस, इफ़ टू और मोर स्टेट्स रिक्वेस्ट यूपीएससी कंडक्ट्स एग्जाम्स फॉर दो स्टेट सर्विसेज टू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू है, कंडक्ट भी कर सकती हैं और असिस्ट कर सकती है कंडक्ट करने में। ठीक है, थ्री, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एज द केस में बी शैल बी कंसल्टेड। तो कुछ मैटर्स हैं जिसमें यूपीएससी से या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्ट करेगी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट्स हो। तो सबसे प्राइमरी इनका फंक्शन है एग्जामिनेशंस कंडक्ट करना यूनियन सर्विसेज में और स्टेट सर्विसेज में घुसने के लिए। उसके बाद अगर दो तीन स्टेट्स मांग रिक्वेस्ट करते हैं तो उस स्टेट्स का भी कोई स्पेशल जॉब्स हैं उसके रिक्रूटमेंट भी कराना। ठीक है, थर्ड, कंसल्टेट मतलब एडवाइजरी बॉडी है, कंसल्टेशंस का भी कंसल्ट भी करते हैं यूपीएससी को या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को। किस चीज़ों में कंसल्ट करती है गवर्नमेंट, ए, ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड फॉर सिविल पोस्ट। तो इसमें हमें सिविल करके आएगा, सिविल का अपोजिट क्या है, डिफेंस सर्विसेज। तो डिफेंस सर्विसेज में आर्मी में, एयरफोर्स में या नेवी में जाने के लिए यूपीएससी का या पब्लिक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई रोल नहीं है, सिर्फ सिविल सर्विसेज में, सिविल पोस्ट में इनका रोल है। तो सारे मैटर्स का इनके तरीके क्या हैं ये सब कंसल्ट करेगी गवर्नमेंट। हु शैल बी कंसल्टेड रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट। तो किसको कंसल्ट करती है गवर्नमेंट, यूपीएससी को सेंट्रल सर्विसेज के लिए, स्टेट पीएससी को स्टेट सर्विसेज के लिए। सेकेंड, ऑन द प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट एंड इन मेकिंग प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर एंड ऑन द सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सच अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स। मतलब सिर्फ एग्जाम्स कंडक्ट करना ही नहीं, सिविल सर्विसेज में किस तरीके से रिक्रूटमेंट करने के लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस ये सब बताना, या अपॉइंटमेंट कैसे करें या ट्रांसफर्स कैसे करें वन सर्विस से दूसरे सर्विस में, तो अपॉइंटमेंट्स भी, प्रमोशंस भी, ट्रांसफर्स भी, इन सब के बारे में भी गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कंसल्ट करेगी यूपीएससी को और स्टेट पीएससी को। पॉसिबल क्वेश्चंस, विच ऑर्गेनाइजेशन इज कंसल्टेड इन अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशंस ट्रांसफर्स ऑफ सिविल सर्विसेज पोस्ट, यूपीएससी या स्टेट पीएससी। स्टेट पीएससी को कौन कंसल्ट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट, यूपीएससी को सेंट्रल गवर्नमेंट। सी, ऑन ऑल डिसिप्लिनरी मैटर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ज्वाइन करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स का या स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट्स का ग्रुप ए सर्विसेज बोलते हैं, ऑफिसर्स लेवल के लोगों का, गवर्नमेंट सर्वेंट्स का जो डिसिप्लिनरी मैटर्स होते हैं, जो करप्शन है, कोई भी केसेस हो गया या इंटर डिपार्टमेंटल कोई केस हो गया, इनमें से क्या क्या पनिशमेंट्स दिया जाए, इसके बारे में भी यूपीएससी को या स्टेट पीएससी को कंसल्ट किया जाता है। ऑन ऑल डिसिप्लिनरी मैटर्स अफेक्टिंग ए पर्सन सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और
द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, मतलब ऑलरेडी सर्विंग है ये, तो एंटर करने के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसीजर भी बताएगी, प्रमोशन का भी बताएगी और ट्रांसफ़र का भी कंसल्ट करते हैं और एग्ज़ाम भी कंडक्ट करते हैं, और एक बार अंदर जाने के बाद भी उनके डिसिप्लिनरी मैटर्स में भी यूपीएससी का या स्टेट पीएससी का कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है. तो इन ए सिविल कैपेसिटी इंक्लूडिंग मेमोरियल्स और पिटिशंस रिलेटिंग टू सच मैटर्स, तो डिसिप्लिनरी मैटर्स के मामले में भी कंसल्ट किया जाता है. पॉसिबल क्वेश्चन, हु इज़ कंसल्टेड इन डिसाइडिंग द डिसिप्लिनरी मैटर्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स? यूपीएससी यूनियन मैटर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिफ़र करेगी या स्टेट पीएससी स्टेट गवर्नमेंट रिफ़र करेगी? D. On any claim by or in respect of a person who is serving or has served under the government of India or the government of a state or under the crown in India or under the government of an Indian state in a civil capacity, that any costs incurred by him in defending legal proceedings instituted against him in respect of acts done or purporting to be done in the execution of his duty should be paid out of the consolidated fund of India or as the case may be out of the consolidated fund of the state. ये कुछ नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो या अपने ड्यूटी में कोई काम किया और उस काम के एगेनेस्ट कोई कोर्ट में चले गए, तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट अपने पर्सनल पैसे से डिफेंड नहीं करेगा, ना कि गवर्नमेंट उनकी तरफ से डिफेंड करेगी. और डिफेंड करेगी पैसे कहाँ से देगी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो, या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट का है तो. ऑफिशियल ड्यूटी में कोई भी काम पे कोर्ट केसेस हो जाते हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट उनको डिफेंड करेगी. पॉसिबल क्वेश्चन, सपोज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टेक्स अ डिसीजन टू रिमूव द एंक्रोचमेंट्स ऑन द फुटपाथ्स एंड द एंक्रोचर्स, मतलब जिसने एंक्रोच कर दिया, ऑक्यूपाई कर दिया, एंड द एंक्रोचर्स गोज टू द कोर्ट अगेंस्ट हिम, हु डिफेंड्स हिम? तो सारे केसेस पर्सनली अपने सैलरी के पैसे से नहीं डिफेंड करते हैं, कौन डिफेंड करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट. मतलब जैसे जैसे अगर ये स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हु एडवाइजेस गवर्नमेंट इन सच मैटर्स? तो ऐसे मामलों में, लीगल मैटर्स में एडवाइस कौन करेंगे? यूपीएससी और स्टेट पीएससी. तो ये भी एक यूपीएससी का और स्टेट पीएससी का एक काम है. नेक्स्ट, ऑन एनी क्लेम फॉर द अवार्ड ऑफ ए पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंजुरीज सस्टेन्ड बाई ए पर्सन वाइल सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट और अंडर द क्राउन इन इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एन इंडियन स्टेट. ये सब क्यों बोल रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा तब तो बिल्कुल डोमिनियन था 1947 टू 1949, उस टाइम बनी है, इसलिए क्राउन, इंडियन स्टेट ये सब आ रहे हैं. ठीक है, इन ए सिविल कैपेसिटी एंड एनी क्वेश्चन एज टू द अमाउंट ऑफ सच अवार्ड. कोई माइंस हैं, जैसे कॉलरीज होते हैं वहाँ, कोई इलेक्ट्रिसिटी से शॉक लग के कोई मर गए, माइन में कुछ मर गए या कुछ इंजुरीज हो गए, तो उनको क्या कंपनसेशन देना चाहिए, किस तरह का पेंशन देना चाहिए, कितना देना चाहिए, ये सब भी कंसल्टेशन यूपीएससी या स्टेट पीएससी से गवर्नमेंट कंसल्ट करती है. पॉसिबल क्वेश्चन, यूपीएससी और स्टेट पीएससी आर कंसल्टेड इन मैटर्स रिलेटिंग टू अवॉर्डिंग पेंशन टू सिविल सर्वेंट्स इफ़ दे गेट इंजर्ड ड्यूरिंग ड्यूटी टाइम. मतलब ऑन ड्यूटी कोई इंजुरीज हो गया या मर गए तो उनको क्या पेंशन देना है, क्या कंपनसेशन देना है, कंसल्टेशन यूपीएससी से स्टेट पीएससी से करते हैं. ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल सही है. एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन टू एडवाइस ऑन एनी मैटर सो रिफर टू देम एंड ऑन एनी अदर मैटर विच द प्रेसिडेंट और एज द केस में बी द गवर्नर ऑफ द स्टेट में रिफर टू देम. मतलब यही सारी ए बी सी डी ई तक जो भी मैटर्स हैं, इनको छोड़ के और भी कोई मैटर्स गवर्नमेंट रिफर कर सकती हैं, और पब्लिक सर्विस कमीशन का ड्यूटी बनता है कि एडवाइस देना, और प्रेसिडेंट और गवर्नर भी रिफर कर सकते हैं कोई भी सर्विस मैटर्स. पॉसिबल क्वेश्चंस, यूपीएस प्रेसिडेंट और गवर्नर कहाँ से आ गए बातों में, कि ग्रुप ए सर्विसेज हो गया, कुछ सर्विसेज हो गया, सारे सर्विसेज ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स काम करते हैं, तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के नाम से होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में और गवर्नर के नाम से होता है स्टेट गवर्नमेंट में. इसलिए जब निकालना होगा, कुछ पनिशमेंट देना होगा, कुछ होगा, प्रेसिडेंट और गवर्नर के नाम से देते हैं, इसलिए रेफरेंस प्रेसिडेंट ऑफिस से या गवर्नर ऑफिस से यूपीएससी को जाता है. तो यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एडवाइजेस इवन प्रेसिडेंट और गवर्नर इफ़ दे रिफर
एनी सर्विस मैटर्स टू देम. ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल सही है. प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट एज रेस्पेक्ट्स द ऑल इंडिया सर्विसेज एंड ऑल्सो एज रेस्पेक्ट्स अदर सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड द गवर्नर एज रेस्पेक्ट्स अदर सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ अ स्टेट मे मेक रेगुलेशंस स्पेसिफाइंग द मैटर्स इन विच either generally or in any particular class of case or in any particular circumstances it shall not be necessary for the public service commission to consult it. तो एक कंडीशन क्या है? प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के मामले में या गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज के मामले में ए बी सी डी पॉइंट्स निकाल सकते हैं, इश्यूज़ निकाल सकते हैं जिसके बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन का रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है. तो हु मेक्स रेगुलेशंस एज टू विच cases require consultation and which cases do not require consultation of UPSC and state PSC and which cases वही है. तो president governor. Next, nothing in clause 3 shall require a public service commission to be consulted as respects the manner in which any provision referred to in clause 4 of article 16. ये clause 4 of article 16 क्या है? Under article 16 clause 4 the state may make reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented in the public services of the state. तो government को अगर लगता है इस article के तहत ये बताया गया कि गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे सकती हैं अपॉइंटमेंट्स में पोस्ट में बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो ओबीसीस बोलते हैं, तो अगर इस तरह के अपॉइंटमेंट्स में पब्लिक सर्विस कमीशन की सलाह की ज़रूरत नहीं है ये बता रहे हैं. और एज रेस्पेक्ट्स द मैनर इन विच अफेक्ट मे बी गिवन टू द प्रोविजन्स ऑफ आर्टिकल 335. और इसमें क्या है? इट्स अबाउट क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू सर्विसेज एंड पोस्ट. तो इसमें भी शेड्यूल कास्ट और एससी एसटी, तो ये दोनों मिला के एससी एसटी ओबीसी, तो इनके सर्विसेज में कैसे एंट्री करें, क्या कंडीशंस हैं, क्या पोस्ट किस पोस्ट में जाएं, इन सब के मामलों में गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी पॉलिसी डिसीजंस और पब्लिक सर्विस कमीशन से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, ये स्पेशली लिखा है. 5. All regulations made under proviso to clause 3 by the president or the governor of a state shall be laid for not less than 14 days before each house of the parliament or the house, so each house of the parliament or the house or each house of the legislature of the state as the case may be as soon as possible after they are made and shall subject to such modifications whether by way of repeal or amendment or as both houses of the parliament or the house or both houses of the legislature of the state may make during the session in which they are so laid. तो यहाँ ये बता रहे हैं जो भी प्रेसिडेंट को ए बी सी डी निकाल सकते हैं इश्यूज़ जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन की सलाह की ज़रूरत नहीं है. तो इस तरह के रूल्स प्रेसिडेंट या गवर्नर अपने आप से नहीं बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाएगी. और पार्लियामेंट में या सेंट्रल सर्विसेज के मामले में है या स्टेट लेजिस्लेचर पे स्टेट सर्विसेज के मामले में है उनके सामने ले करना होता है और उसके बाद दोनों जगह पे अप्रूवल लेना होता है दोनों हाउसेस से, उसके बाद प्रेसिडेंट या गवर्नर का एसेंट लेना होता है. तो कैन वी से दैट ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस विथ रेस्पेक्ट टू कंसल्टेशन ऑफ यूपीएससी स्टेट पीएससी आर डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड अपॉन इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बिफोर गेटिंग एसेंटेड बाई प्रेसिडेंट और गवर्नर. तो उसके बाद ही ये कौन से इश्यूज़ में पब्लिक सर्विस कमीशन का सलाह की ज़रूरत नहीं है डिसाइड होता है. तो आंसर यस है. नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 321, पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस. तो पब्लिक सर्विस कमीशंस का हमने देखा ये सारे फंक्शंस हैं, तो और भी एक्सटेंड इनके पावर्स, इनके फंक्शंस एक्सटेंड करने का पावर किसके पास है? एन एक्ट मेड बाई पार्लियामेंट और एज द केस में बी द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे प्रोवाइड फॉर द एक्सरसाइज ऑफ एडिशनल फंक्शंस बाय द यूपीएससी और स्टेट पीएससी एज रेस्पेक्ट्स द सर्विसेज ऑफ द यूनियन और द स्टेट एंड ऑल्सो एज रेस्पेक्ट द सर्विसेज ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी और अदर बॉडी कॉरपोरेट कॉन्स्टिट्यूटेड बाई लॉ और ऑफ एनी पब्लिक इंस्टीट्यूशन. तो पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को यूनियन सर्विसेज स्टेट सर्विसेज के मामले में पब्लिक सर्विस कमीशन्स का फंक्शंस एक्सटेंड करने का पूरा पावर है. तो लोकल बॉडीज़ के लिए भी उनके एग्ज़ाम्स भी उनके रिक्रूटमेंट्स भी एक्सटेंड करके फंक्शंस एक्सटेंड करके यूपीएससी को या स्टेट पीएससी को देने का पावर पार्लियामेंट को या लेजिस्लेचर को है लॉ बना के.
possible questions. Who has the powers to extend functions of public service commissions? Parliament or state legislature? मतलब parliament union services के लिए, state legislature state services के लिए. तो previous question देखते हैं. Which of the following is or are true regarding limitations on UPSC? UPSC का limitations है, अगर है तो इनमें से कौन सा है? तो one, UPSC is not consulted for making reservations of post in favor of backward classes. आज अभी हमने देखा कि SC ST OBC के लिए reservations करना है, तो government को UPSC को refer करने की ज़रूरत नहीं होती है. तो ये सही है. Second, the president can exclude post services and matters from the purview of the UPSC. ये भी हमने देखा, president और governor regulations बना सकते हैं कि किस matters पे UPSC को refer करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब कुछ post को, कुछ services को, इन बातों को exclude किया जाता है UPSC के reference से. ये भी सही है. तो answer both है. तो previous video में homework है, UPSC का location कहाँ है? New Delhi. तो आज का homework है, जो Indian Administrative Services बोलते हैं, IAS सिविल सर्विसेज बोलते हैं, उसका एज लिमिट क्या है अटेंड एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए, जनरल कैटेगरी का क्या एज लिमिट है, ओबीसी का क्या है, एससी एसटी का क्या है, ये बताना है आपको. थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो.